ये दोनों सबसे थके हुए ना, 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 हम तो अभी दो चक्कर भी मार सकते हैं नीचे से ऊपर दोबारा। वेलकम टू देयर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे आप लोग? तो फ्रेंड्स आज हमारी जो मॉर्निंग है वो है बहुत ही पीसफुल प्लेस कसार देवी में अल्मोड़ा। हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ पर कितने पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये वर्ल्ड में सिर्फ तीन जगह पे है, वो हमारी इंडिया में कसार देवी पे है। तो हम लोग रात में यहीं कसार देवी में हमने स्टे किया। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग हमारी हुई है ये, और चारों तरफ इतना खूबसूरत व्यू। जंगल के बीचों बीच में हम लोग यहाँ पर एक रुके हुए हैं, अभी दिखाएंगे जाते हो आपको रास्ता यहाँ से। तो ये हम जहाँ रुके थे वो हमारी आंटी लोग ही हमारे नोन है। ये देखो ये देखो कैसे कैसे भाग रहे हैं लोग। हेलो, घर के कपड़ों में ज्यादा स्मार्ट आते हैं। और ये हेलो भागी। और ये अंशु तो जब से आया ना, इसको वाईफाई का पासवर्ड मिल गया है यहाँ पे, इसका ये फ्रेंड ने दे दिया, तो एक गेम ही खेलने में लगा है तब से। चलना नहीं है भाई, चलते हैं यहाँ से। जो रूम थे हमारे वो यहाँ पे है, सामान भी लाना है, और एक रूम यहाँ पे नीचे था। तो इस टाइप का कुछ रूम है यहाँ पे, यहाँ अंगीठी भी है, अगर सर्दियों में यहाँ बहुत ठंडा होता है इसलिए। ये यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे ये किचन है पूरा। तो चलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। बाय त्रिशा। कहाँ गई हो, गायब हो गई? गुन्नू बाय, छुप के बाय बोल लिया। तो हम लोग यही रुके थे, ये मेरी फ्रेंड अंजना, इसे मूविंग दो रखा भी। लेकिन देखो फिर भी फ्रेश लग रही है बिल्कुल। देखो लगे कितनी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहा धो के खड़ी है। सच में बहुत स्मार्ट आ रही है। चल मैं तुझे भेजूंगी फोटो, ठीक है? चल बाय। तो कल हम रात यहीं से आए थे, यहाँ से रास्ता है आगे, और नीचे हमने अपनी गाड़ी लगा रखी है। देखो ये चारों तरफ क्या मस्त लोकेशन है। यहाँ की निशानी है ये, पास से दिखेगा। ये देखो कितना प्यारा फूल है ये। तो अंशु कैसा लगा फिर, सुबह से जब से उठा है तब से तू फोन में लगा हुआ है, है? अच्छा, उठ के मैं बेड में लेटा हुआ था। बेड में लेटा हुआ था, वो दोनों इसको उठाने भी आ गए। सात बजे उठे थे। और यहाँ पे देखो सामान इसी तरह ढोया जाता है आदमियों के थ्रू। तो रोड पे पहुंचने वाले हम लोग, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कसार देवी। बहुत प्यारी जगह है, और वहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वहीं कसार देवी मंदिर में है। अगर आप ध्यान लगाएंगे वहाँ पे तो एक अलग ही शांति मिलती है वहाँ पे। तो बस वहीं पर हम भी जाके थोड़ा ध्यान लगाते हैं। देख रहे हो चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड के, और हमारी गाड़ी कहाँ है? वो उधर लगी हुई है, पीछे किसी चिपका के लगा दी यार वहाँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कसार देवी। यहाँ से मात्र 200 मीटर जो मेन गेट है वो है, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक छोटा बेबी है, तो हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा पैदल चलना पड़ता। तो हम जा रहे हैं इस रास्ते से, कि अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आधा रास्ता कवर हो जाता है, फिर हमको थोड़ा ही जाना पड़ेगा। हाँ, वो देखो दिख रहा होगा आपको, मेरे को दिख रहा है, मतलब आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, धुंधला हो रहा होगा, पर पूरा अल्मोड़ा यहाँ से दिखता है। अभी हम इससे ऊपर टॉप पे जाएंगे तो और सुंदर लगेगा। ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, और हम आ चुके हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी जगह पे, जहाँ पर हमें मिलेगी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, और हम यहाँ से सारी एनर्जी खींच के ले जाएंगे अपने वहाँ हल्द्वानी। क्या मैं एनर्जी, ये देखो यही है शख्स जो एनर्जी खींचने आया है, पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ से आपके हैं, ये वाला रास्ता मैंने आज पहली बार देखा है, मतलब रास्ते के सीढ़ियाँ बना दी मेन जो है गेट से, उधर से हम लोग पीछे के रास्ते से आ रहे हैं, जैसे सलमान खान तारों के नीचे से आया था बजरंगी भाईजान में, हम लोग इस वाली सीढ़ी से जाएंगे। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम चलते हैं। ये देखो ये सबसे छोटा बच्चा भी आया है मंदिर में जय करने। चलो चलो, ये देखो कितने मजे कर रहा है अंशु। हाँ, अंशु को ट्रैकिंग का बहुत शौक है ना अंशु, कुछ नहीं अगर हम भूल गए गाड़ी में तो ये लेके आएगा दोबारा। वहाँ कहीं से है मेन प्रवेश द्वार, अगर हम वहाँ से आते तो हमको उतना चलना पड़ता, फिर हम यहाँ पे आते, हमारा शॉर्ट हो गया। अगर वहाँ पे गाड़ी लगती तो वहाँ से फिर भी इतना आना पड़ता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट है। तो बस पहुँच चुके हैं हम लोग
कसार देवी के मंदिर पे, सामने मंदिर दिखने लग गया है। अंशु दौड़ने में लगा है, ये दोनों सबसे थके हुए। हम तो अभी दो चक्कर भी मार सकते हैं नीचे से ऊपर दोबारा। सही बात, कुछ अगर भूल गए हो तो बता दो। ना ना, आप अल्मोड़ा में हैं तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चितई मंदिर है 9 किलोमीटर यहाँ से, कटारमल सूर्य मंदिर, गढ़नाथ मंदिर और रानीखेत माँ उग्नेरी देवी मंदिर। तो इसमें यार गढ़नाथ और माँ उग्नेरी देवी मंदिर हम नहीं गए हैं, बाकी सब पे हमने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये है यहाँ की पूरी हिस्ट्री, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद भी आए थे 1890 में। जय माता दी, जय हो। तो जो मुख्य मंदिर है वो ये है, और यहाँ से ऊपर वो महादेव का मंदिर है, तो ऊपर भी चलते हैं। तो आज हमारे साथ ब्लॉगिंग में एक छोटा सा ये भी है, देखो एक नहीं दो, ये भी छोटा सा आज काने, है। काना जी भी है हमारे साथ। हाँ, आज काना जी है, दोनों और ये छोटा काना भी, दो लड्डू आए हमारे साथ। और एक वो छोटा बड़ा लड्डू भी है, ये बड़ा लड्डू, ये दौड़ रहा है फिर थक के बैठ जा रहा है कहीं भी। हेलो बेबी, क्या हुआ, दर्द हो रही? अरे बाप रे, थक गया, ये सबसे बुजुर्ग प्राणी आया हमारे साथ जो थक गया है। तो बहुत सुंदर व्यू है, वो देखो कसार देवी मंदिर माता रानी का। जय भैरव देवता की जय हो। देखो कितना प्यारा मंदिर बनाया है, और ये देखो ये लकड़ी की कारीगरी। आज हमारे लड्डू भी आए हैं हमारे साथ, तो उनको भी हम सारे मंदिरों के दर्शन कराते हैं। जय हो, जय हो देवता, शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव शिव शंभो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और यहाँ पे नंदी महाराज, तो यहाँ पे अंशु मेडिटेशन कर रहा है। इसके बाद तिमो तू भी बैठ जा, तो देर में मैं भी यहाँ पे योग साधना करता हूँ। जय हो। और यहाँ से एक रास्ता जाता है नीचे को। पिछली बार हमको यहाँ पे पुजारी थे वो लेके गए थे यहाँ से कहीं नीचे, उनने गुफा दिखाया था, मतलब जो बंद कर दिया उसमें पत्थर वत्थर थे, खड्डा जैसा था, तो वो बताते थे कि यहाँ से कहीं नीचे निकलता था किसी गांव में। यहाँ पे जो हवा चल रही है ना भाई साहब, क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारी हवा है, ठंडी ठंडी हवा। तो हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल जी भी आए हैं। तो लड्डू कैसा लग रहा है आपको कसार देवी माँ के? आज देखो मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल, पिंक कलर की ड्रेस में। ये इनका सोने का बेड है। तो लड्डू को भी हम लेके आए हैं कसार देवी मंदिर, वो बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे पता है। जय कर रहा है यहाँ पर मेडिटेशन, मैंने इसको बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो ये भी बैठ गया है ध्यान में, और महाराज जी भी ध्यान पे बैठे हुए हैं। तो सच में यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है, अगर आप आओ तो यहाँ 5 मिनट मेरे हिसाब से ध्यान तो ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट ध्यान करने से ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको खुद फील होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों लगे हुए हैं ध्यान में, दर्शन हो गए हैं, ये लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। मैं ओके, तो यहाँ से क्या है, ये ज़्यादातर बंद रहता है, आज ही खुला हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ चप्पल पहन के आना चाहिए था, मैं नंगे पांव आ गया हूँ। ये रास्ता आगे गया है, यहाँ पे जो पत्थर है यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ऐसे दिन में तो नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अभी धूप है। शाम के वक्त यहाँ पे आराम से लोग आपको यहाँ दिख जाएंगे मेडिटेशन करते हुए, बहुत लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे। ये देख लो कितना बड़ा पत्थर है यार। और ये देखो अंशु लट आ गया भाई, सब वहाँ चले गए थे, तुम यहाँ क्यों आए? मैं देखो तुम मेरे बिना जा रहे हो, इतनी मस्त जगह। तो ये देखो
देखो कितनी प्यारी जगह है और मैं बिल्कुल कोने पे आ गया हूँ। वो देखो नीचे रोड दिख रही है और हवा तो ऐसी चल रही है ना यहाँ से तूफानी। तो देखो तिम्मो वहाँ से आ रही थी तो हमने पहले भाग्य लगा दी यहाँ से। तो हमने तो यार तुम्हें पहले बुलाया था कि वहाँ पे आओ, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ थोड़ा मेडिटेशन करो। हाँ ये हमारी चाल थी भैया, तुम आई क्यों नहीं पहले। अरे नहीं थी आज कोई भी क्रिकेट। हाँ अगर तू जाती तो पक्का क्रिकेट आते। देवी मंदिर के दर्शन किए, बहुत सुंदर माता रानी का मंदिर है ऊपर और शिव जी भोलेनाथ का, भैरव बाबा का भी बहुत प्यारा मंदिर है। तो आप लोग अगर आए अल्मोड़ा तो जरूर विजिट कीजिए कसार देवी में, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी क्योंकि ये नासाक्स ने भी इसकी शक्ति को माना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हम लोगों ने सारी एनर्जी खींच ली है लेकिन फिर से एनर्जी डेवलप होती रहती है, तो आप लोग भी आएंगे तो आपको भी मिलेगी यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी। हम यहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं। हाँ अब हम लोगों में से फेसबुक करेंगे क्या, डिस्ट्रॉय करेंगे स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को जिन लोगों ने तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमने इस अल्मोड़ा का वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर की हुई हैं, चिताई गोलजू देवता का मंदिर और कटारमल टेम्पल है यहाँ पर, और वो गैराड़ मंदिर है बहुत सुंदर सा कल्पवृक्ष जी का, और कसार देवी तो आपको भी दिखाई रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिमतोला पार्क भी है, इको पार्क, मतलब वहाँ पर प्लास्टिक फ्री पार्क है, तो वो भी हम लोगों ने बनाया है। तो आप हमारे सारे ब्लॉग देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हमारे चैनल में आते रहते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल मिस्टर एंड मिसेस पहाड़ी। यो हमें नाज है अपने पहाड़ी होने पर।